नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए एक नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। बाजपुर में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 18 टीमों ने प्रतिभाग किया, जिसमें सर्वेश और प्रदीप की टीम ने जीत हासिल की। बता दें कि बाजपुर चीनी मिल स्थित इंदौर बैडमिंटन कोर्ट में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता का शुभारंभ दर्जा राज्य मंत्री राजेश कुमार और चीनी मिल के जीएम प्रकाश चंद्र ने संयुक्त रूप से किया। वहीं इस दौरान राज्य मंत्री ने विजेता और उप विजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और यहां पर हमारे जो स्थानीय युवा हैं, स्पेशली हमारे राज्य मंत्री जी हैं, उनके सहयोग से यहाँ पर एक मैत्री बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसमें मैंने भी खुद प्रतिभाग किया था। और कुल मिलाकर के ये क्रीड़ा की प्रतियोगिताएं हैं, स्वस्थ प्रतियोगिताएं हैं, उनका हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। सख्त कानून के बावजूद बच्चियों के साथ छेड़छाड़ के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला कुक्षी बस स्टैंड का है, जहां कॉलेज से घर लौट रही माँ और बेटी के साथ मंचलों ने छेड़छाड़ की। वहीं समझाने के बाद भी मंचले नहीं माने और हाथापाई पर उतर गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने इन दोनों मंचलों को पकड़ कर बीच चौराहे पर जुलूस निकाला और हाथ में तख्तियां लेकर पुलिस ने मंचलों को सबक भी सिखाया। ये कल शाम को एक घटना हुई है 5:30 बजे के आसपास बस स्टैंड में, कुक्सी में, जहां माँ बेटी दोनों एक बस का इंतजार में खड़ी थी बस स्टैंड में। वहीं दो मंचले पहुंचे वहां पे और उन दोनों ने उस बालिका के साथ में छेड़खानी की और विरोध करने पे उस पर उसके साथ में और उसकी माँ के साथ में हाथापाई भी उतर आए थे। जिन दोनों बदमाशों को कल ही अरेस्ट कर लिया गया था, जिनको आज न्यायालय पेश किया गया है। इंदौर के जिला चिकित्सालय गोविंद वल्लभ पंत में अधिकारियों की लापरवाही के चलते दूर दराज से आए मरीजों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा है, तो दूसरी तरफ कर्मचारियों की लापरवाही से पोस्टमार्टम हाउस में पानी की बर्बादी हो रही है, जिसके चलते मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोरोना महामारी में आई आपदा को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की है। साथ ही मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा, आने वाले त्योहार को ध्यान में रखते हुए ही त्योहार मनाए, शासन की गाइडलाइंस का पालन करें। इसी के साथ उन्होंने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को शुभकामनाएं भी दी। सबका सौभाग्य है कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के बावजूद भी प्रदेश में सरकार से जितना बन पड़ा उससे अच्छा प्रबंधन किया गया है। इस प्रकार से त्यौहार का समय भी आ रहा है और एक सुखद संदेश भी आ रहा है। धीरे धीरे देश भर में कोरोना का असर कम हुआ है, देश धीरे धीरे सामान्य अवस्था की तरफ चल रहा है। ऐसे में पावन पर्व दीपावली का पर्व कुछ दिन बाद हमारे बीच में आने वाला है। धनतेरस से लगाकर दीपावली तक का, भाई दूज तक का पूरा सप्ताह हमारे जीवन में मंगलदायी हो, शुभदायी हो, फलदायी हो, मेरी अपनी ओर से सबके प्रति बधाई। मध्य प्रदेश में बेमौसम फल और फूल से आम जन हैरान है। दरअसल शहर के पश्चिम क्षेत्र कालानी नगर में सड़क पर लगे आम के पेड़ में नवंबर महीने में ही फलों के राजा आम लग रहे हैं। फल के साथ साथ ही बहुतायत में फूल भी लग रहे हैं। ये नजारा देखकर सभी लोग काफी खुश हैं। लोगों का कहना है कि ऐसा नजारा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा।